हेलो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एटॉमिक मास की, और हमने कहा था कि जो एटॉमिक मास होता है वो एवरेज होता है और रिलेटिव होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं 6 न्यूमेरिकल, मैं बारी बारी से एक एक न्यूमेरिकल आपको करवाती हूँ। अगर करवाने के बाद भी किसी स्टूडेंट को किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉब्लम मिल जाए। किसका कैलकुलेट करना है? ब्रोमीन का कैलकुलेट करना है, और उसके 2 आइसोटॉप्स गिवन है मुझे जिसका मास 79 और 81 है, और इनकी परसेंटेज अबंडेंस मुझे गिवन है। मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो आइसोटॉपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं और उनकी परसेंटेज अबंडेंस जो है वो डिफरेंट होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि आइसोटॉपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप इनटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस आइसोटॉपिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज जो कि 100 है। आप इसको दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 100। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हर एक न्यूमेरिकल में एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में यही लगेगा हमारे पास। अगर मुझे परसेंटेज गिवन है तो मैं परसेंटेज के लिए 100 लगाऊंगी, अगर मुझे रेशियो गिवन है तो टोटल रेशियो जितनी भी बनेगी उसके लिए हम उसको टोटल करके वहां से डिवाइड कर देंगे। अब एवरेज एटॉमिक मास के लिए देखें, आइसोटॉपिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटॉप तो कितना दे रखा है? 79 दे रखा है मुझे। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए मैंने लिया 79, और ये 79 की परसेंटेज यहां रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है कितना दे रखा है? 49.7%, 49.7, और प्लस मेरे पास कितना है? दूसरे आइसोटॉप की मास कितना दे रखा है? 81, और उसकी परसेंटेज कितनी है? 50.3% है डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो आंसर है ये कितना आएगा? 80.006। तो ये जो है ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया। किसका आ गया? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। सिंपल है न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है हमें? हमें यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है कि मुझे पहले आइसोटॉप के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है आइसोटॉपिक मास ऑफ द सेकेंड आइसोटॉप, और उसकी परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 100, यानी टोटल परसेंटेज अगर आप इसका टोटल करो तो आपको 100 मिलेगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 80.006 जो है वो इसका ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास आ गया। तो क्लियर हो गया आपके न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, फॉर्मूला मैं यहां पर लिखे रहने देती हूं। तो सेकेंड न्यूमेरिकल है मेरे पास देखिए क्या है। यहां पर हमारे पास डाटा क्या गिवन है, आप देखो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा उसने। न्यूमेरिकल में कहता है कि एटॉमिक मास आइसोटॉप्स के गिवन है 10 एंड 11, जैसे उसमें गिवन था 79 एंड 81, और यहां पर हमें एवरेज एटॉमिक मास भी गिवन है। एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, पूछा क्या? परसेंटेज अबंडेंस पूछी है। तो परसेंटेज अबंडेंस इसमें क्या था? परसेंटेज अबंडेंस गिवन थी। अब इसमें परसेंटेज अबंडेंस पूछे तो हम क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे मेरे पास 2 आइसोटॉप हैं, तो यहां पर फर्स्ट आइसोटॉप की जो परसेंटेज है, फर्स्ट आइसोटॉप की परसेंटेज अबंडेंस मैंने मान ली कितनी है? एक्स है। तो सेकंड आइसोटॉप की परसेंटेज अबंडेंस कितनी आएगी? टोटल परसेंटेज कितनी है? 100। तो कितनी आ गई? 100 - x। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? भाई अगर मेरे पास 2 आइसोटॉप्स हैं तो दोनों की टोटल परसेंटेज अबंडेंस कितनी होगी? 100। अगर मैंने एक की परसेंटेज अबंडेंस को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, तो मेरे पास दूसरे की परसेंटेज अबंडेंस क्या हो जाएगी? 100 - x। अब मैं इसी फॉर्मूले में इसको प्लेस कर दूंगी। मेरे पास क्या गिवन है? एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, यहां पर कितना दे रखा है?
10.8 मेरे पास एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है इज इक्वल टू आइसोटॉपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, कितना दे रखा है भाई मुझे, मुझे 10 दे रखा है ये, तो मैंने 10 को और परसेंटेज कितनी मैंने मान ली x, परसेंटेज मैंने मान ली x, प्लस अगले की कितनी दे रखी है 11 एटॉमिक मास दे रखा है और इसकी परसेंटेज अवेयरनेस मुझे क्या मैंने मान लिया 100 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 100, ये मेरे पास फॉर्मूला है। परसेंटेज अवेयरनेस की जगह हमने एक्स और 100 माइनस एक्स लिया है, 10 भी मुझे गिवन है, 11 भी मुझे गिवन है न्यूमेरिकल में और ये मेरे पास एवरेज एटॉमिक मास गिवन है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इतना आ गया, ये मेरे पास आ गया 10x प्लस 1100 माइनस 11x। तो आप x वाली टर्म्स को अगर एक तरफ कर लेते हो और बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हो तो आपके पास कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1100 माइनस 1080 और ये इधर आएगा तो 11x माइनस 10x आएगा आपके पास और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, कितना आएगा ये 20%, यानी एक आइसोटॉप आपके पास 20% आ गया। इसकी परसेंटेज अवेयरनेस अगर 20% है, ये मेरे पास 20% आया है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक आइसोटॉप 20 आएगा, एक आइसोटॉप क्या आ जाएगा 80। ये दो तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए, एक में तो क्या किया हमने एटॉमिक मास मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, दूसरे वाले न्यूमेरिकल में एवरेज एटॉमिक मास गिवन था, मैंने एक आइसोटॉप की परसेंटेज को मान लिया एक्स, दूसरे वाले को 100 माइनस एक्स और फिर सेम फॉर्मूले से मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए कैसा है, रब करते हैं इसको। तो अब मेरे पास क्या है, थर्ड न्यूमेरिकल देखो, थर्ड न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लिखा था कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, मैं हल्का सा इसको बता देती हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। सेम न्यूमेरिकल है, जैसा ये है वैसे ही थर्ड, सेकंड और थर्ड सेम न्यूमेरिकल है अपने पास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज 16.2 U, ये मेरे पास एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, तो ये मैं थर्ड न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। मान लिया हमने कि यहां पर क्या है, एक एक्स 16 है, एक एक्स 18 है, यानी एक का मास 16 है और एक का मास 18 है। तो अभी हमने क्या किया था कि सपोज फर्स्ट आइसोटॉप की जो परसेंटेज है वो x है और सेकंड आइसोटॉप की जो परसेंटेज है वो मेरे पास कितनी है 100 माइनस x है, तो इसी से कर देंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। यहां पर क्या करेंगे हम, मेरे पास आ गया 16.2, ये मेरे पास आ गया इसका एवरेज एटॉमिक मास, क्या दे रखा है पहले आइसोटॉप का मास, मास क्या है जो ये यहां पर ये ऊपर की तरफ शो हो रहा है ये मास है, तो ये कितना आ गया 16 आ गया, ये जो बेटा 8 शो हो रहा है ये क्या है एटॉमिक नंबर है इस एलिमेंट का, यानी ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये मेरे पास कितना आ गया आइसोटॉपिक मास ये है इंटू एक्स प्लस आइसोटॉपिक मास ऑफ द सेकेंड आइसोटॉप कितना 18 इंटू 100 माइनस एक्स, ये आ गया मेरे पास अपॉन 100 करेंगे हम इसको, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1620 16x प्लस 1800 माइनस 18x, उसी तरीके से सॉल्व कर लो इसको, 1800 माइनस 1620 और ये 18x माइनस 16x कितना आ जाएगा 2x और यहां पर कितना आएगा मेरे पास 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 और अगर x मेरे पास एक आइसोटॉप की परसेंटेज 90 है तो सेकेंड आइसोटॉप की परसेंटेज ऑब्वियसली कितनी आएगी 10% आ जाएगी, तो मेरे पास जो है ये आंसर आ जाएगा 90% एंड 10%। पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही था, मैंने प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर मेंशन किया था, यहाँ पे हमने फर्स्ट आइसोटॉप की परसेंटेज को एक्स माना है और सेकेंड को 100 माइनस एक्स माना है, तो क्लियर हो गया न्यूमेरिकल भी आपको। थर्ड न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास, सेकेंड भी हो गया, फोर्थ न्यूमेरिकल की बात करें। अब यहाँ फोर्थ न्यूमेरिकल में देखिए आपको तीन आइसोटॉप्स गिवन है, अभी तक हमने जो किए हैं वो कितने, दो आइसोटॉप्स हैं, तो तीन आइसोटॉप्स गिवन है, मेथड तो सेम ही रहेगा हमारे पास, मेथड क्या रहेगा सेम रहेगा, यहां पर तो न्यूमेरिकल क्या है पहले पढ़ लेते हैं इसको, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, मुझे क्या निकालना है, मुझे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सिंपल आइसोटॉपिक फॉर्म्स में 28 है, एटॉमिक मास 29 है, 30 है, मेरे काम की चीजें जो है वो मैंने यहां पर
और उसको सर्कल कर दिया। और परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 92.23, 4.67, 3.10, और ये रिस्पेक्टिवली है। 28 के साथ इसी को ही मल्टीप्लाई करोगे, 29 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 30 को इससे करोगे। अगर आपने ये चेंज कर दिया तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए मेरे पास क्या आएगा, आइसोटोपिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटॉप। तो फर्स्ट आइसोटॉप का आइसोटोपिक मास क्या है, 28, और इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, 92.23%। और उसके बाद आइसोटॉपिक मास ऑफ द सेकेंड आइसोटॉप कितना है, 29%, कितना दे रखा है, 4.67, ये परसेंट आ गया मेरे पास। प्लस अगर यहाँ थर्ड आइसोटॉप है तो हम थर्ड को भी यहाँ पर ले लेंगे, थर्ड आइसोटॉप का मास कितना है, 30 × 3.10, ये इसका क्या दे रखा है, ये इसका परसेंटेज अबंडेंस, 3 दे रखे हैं तो 3 लेंगे, 4 आइसोटॉप दे रखे हैं तो चारों का लेके इसी तरीके से पहले वाले 2 का मल्टीपल, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, और चौथा वाला है तो उसको भी। अगर आप इन परसेंटेज का प्लस करते हो तो ये आपके पास 100 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 28.11। ठीक है, आंसर अगर आप देखो तो आपको यहां से भी क्लियरिटी हो रही है। देखो 92.23% भी, 92.23% मेरा 28 के करीब है, यानी 90% से अबव तो यही वाला आइसोटॉप है। इसका मतलब मेरा आंसर कहीं 28 के अप्रोक्स आएगा। 30 वाला तो बिल्कुल 3.10 के करीब है, 29 वाला भी 4.67 है, यानी मैक्सिमम क्या दे रखा है, मोर देन 90%, यानी मुझे पता था कि आंसर जो है लगभग 28%, मतलब मोर देन 28। अब देखो आंसर को रिचेक करने का क्या तरीका है, एक तरीका ये भी है कि जब मेरे पास ये जो परसेंटेज और ये सारी चीजें गिवन है तो मेरा आंसर कभी भी लोएस्ट एटॉमिक मास से, मतलब ये इसमें सबसे कम क्या है 28, सबसे ज्यादा क्या है 30, यानी 28 से कम नहीं आ सकता और 30 से ज्यादा नहीं आ सकता आंसर। और यहाँ 28.11 या 28.2 के करीब आंसर आया है, ये मुझे स्टार्टिंगली नोन था। क्यों, क्योंकि मोर देन 90% हमारा 28 वाला आइसोटॉप है इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप, फिफ्थ न्यूमेरिकल। दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आपको जो एनटीएससी में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए न्यूमेरिकल हैं। ये हमारे पास ये फोर्थ न्यूमेरिकल था, मैंने डायरेक्टली परसेंटेज के साथ कर दिया क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दिया था। फिफ्थ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये दिल्ली एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो लास्ट न्यूमेरिकल है सिक्स, वो हमारा एनटीएससी सेकेंड स्टेज में न्यूमेरिकल आया था, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। फोर्थ न्यूमेरिकल जो है, जो हमने किया अभी, देखिए इस क्वेश्चन में, फिफ्थ न्यूमेरिकल में, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कहता है। फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम हैज 3 नेचुरल आइसोटॉप्स, मैग्नीशियम के 3 नेचुरल आइसोटॉप्स हैं, और ये हमें गिवन भी हैं। कौन कौन से हैं, देखो ये मेरे पास मास है, ये परसेंटेज अबंडेंस है, ये मास है, ये परसेंटेज अबंडेंस, ये मास, ये परसेंटेज अबंडेंस। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया मेरे पास, जैसे हमने फोर्थ किया ऐसा ही क्वेश्चन ही आ गया। ये दिल्ली एनटीएससी का क्वेश्चन है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं निकालूं एवरेज एटॉमिक मास, मुझे निकालना है एवरेज एटॉमिक मास मेरे पास कितना आ जाएगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट आइसोटॉप का मेरे पास मास कितना है, 23.98, परसेंटेज कितनी है 78.60, प्लस 24.98 × 10.11% ये दिया हुआ है। थर्ड आइसोटॉप 25.98 × 11.29, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, टोटल परसेंटेज से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 24.31, ये हमारे पास आंसर जो है इसका आ गया। देखो यहाँ 78.60, ये लगभग 24 के करीब था, 24 वाला जो है, जो ये 25 है एक्चुअल में, 24.98 है, तो लगभग 25 है, और ये लगभग 26 के अप्रोक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम परसेंटेज ये पाई जा रही है, तो लगभग 24 के अप्रोक्स जो इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें एवरेज एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेशन में नहीं निकालना होता, एक्यूरेट निकालना होता है, तो आपको कैलकुलेशन जरूर करनी है, मल्टीप्लाई कर ली करके, प्लस करके, और आप डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने आपको मेथड बता दिया, पहले 2-3 न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन भी कर दी, आप इसको कैलकुलेट करके और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास सिक्स न्यूमेरिकल में क्या कहता है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं सिक्स न्यूमेरिकल आपको करवाती हूँ। ये हमारे पास एनटीएससी सेकेंड स्टेज में आया था,
ठीक है, जो नेशनल लेवल पर होता है हर स्टेट का पेपर एक जैसा, जो सेकंड स्टेज होता है अपना, एक पेपर आता है ठीक है नेशनल लेवल पे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से पढ़िए, कहता है क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, ठीक है भाई, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, जो ऊपर की तरफ लिखा होता है ये एटॉमिक मासेस होते हैं, यहाँ पर मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो उसकी क्योंकि न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट नहीं थी तो यहाँ मेंशन नहीं किया। क्लोरीन 35 एंड 37 दे आर द टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन और इनकी रेशियो गिवन है। देखिए अभी तक परसेंटेज की बात हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स में, अब इस न्यूमेरिकल में हम रेशियो की बात कर रहे हैं। तो रेशियो कहता है 3:1 है रिस्पेक्टिवली, यानी 3:1 किसका है 35 वाले का और 1:1 किसका 37 वाले का। इफ द आइसोटॉपिक रेशियो इज रिवर्स्ड, अगर हम आइसोटॉपिक रेशियो को रिवर्स कर दें यानी 3:1 की जगह 1:3 कर दें तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा। आपको पता है अगर नॉर्मली आप देखो तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है, लेकिन वो कब होता है जब हमारे पास ये रेशियो होती है, ये 75% ये पाया जाता है क्लोरीन 35 और 37 वाला 25% पाया जाता है, जिसको इन्होंने 3:1 मेंशन किया है। तो उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35.5, लेकिन इस न्यूमेरिकल में उसने कहा कि मैंने इस रेशियो को ही रिवर्स कर दिया। तो करते हैं भाई रिवर्स इसको, सिक्स क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास के लिए मेरे पास पहले आइसोटॉप का मास दे रखा 35, ठीक है, और कहते हैं इसके रेशियो को रिवर्स कर दिया, यानी पहले ये 3 था तो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस फिर अगले का क्या है 37 इंटू कितना आ जाएगा 3, और डिवाइड किससे करोगे, यहां डिवाइड हम 100 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे। यहां 100 से क्यों कर रहे थे, क्योंकि अगर आप इन सभी परसेंटेज का प्लस करते हो और टोटल परसेंटेज निकालते हो तो 100 आता है, इसलिए 100 से डिवाइड किया था। यहाँ टोटल रेशियो कितनी आ गई 4, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे ये मेरे पास आ गया 35 प्लस डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया 146/4, तो ये मेरे पास 36.5 कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 12 ये आ गया, डिवाइड करोगे तो 26 और 6 पे जाएगा ये, तो मेरे पास कितना आ गया 36.5, यानी अगर रेशो 3:1 ही रहती तो मास कितना आता 35.5, ठीक है, आपको पता चल गया कि 35.5 कहां से आया, लेकिन वो कहता है रिवर्स कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, तो कोई बात नहीं, मेथड तो वही है, एक ये रेशियो आ गई, ये एटॉमिक मास आ गया, ये एटॉमिक मास है, ये रेशियो है, टोटल रेशियो मेरे पास ये आ गई, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 36.5 वुड बी द राइट आंसर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एवरेज एटॉमिक मास में, चाहे हम 9th की बात करें चाहे हम प्लस 1 की बात करें। और दूसरी बात, ये सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल में नहीं है ये वाला टॉपिक, बल्कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें भी ये न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोनों चैप्टर में ये सेम टाइप के न्यूमेरिकल, सेम ही एवरेज एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो आई होप कि ये जो 6 न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं समझ भी आए होंगे सभी को। किसी को इन न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट आता है या कोई अलग तरीके के किसी और वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे भेजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।